आज के इस वीडियो में आपको बेहतरीन सीवी एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। इस प्रकार से फेस को कैसे पूरा गोरा करते हैं, इस वीडियो में आपको काफ़ी आसानी से सिखाने वाला हूँ सीवी एडिटिंग आसानी से कैसे करते हैं। तो गाइस जैसा सेम एडिटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच करना, शुरू से लगा लास्ट तक वीडियो में बनाना, तभी आप ऐसा फोटो एडिटिंग सीख जाओगे। गाइस थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, बट ये बहुत ही ईजी तरीका से आप अपने फोटो की इस प्रकार से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस फटाक से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट बिना देर की। तो सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगे। तो गाइस सबसे पहले जो अपना रियल वाला फोटो है ना गाइस, तो सबसे पहले जो अपना रियल वाला फोटो है ना, रियल वाला फोटो को सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट मार लेते हैं, ठीक है। शेयर मारते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइस ऑलरेडी हमारा फोटो ऑटोडेस्क में आ जाएगा, सीधे हम लोग जाएंगे लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में। सेम जो ब्रश बताता हूँ वही ब्रश को रख लेना, इस ब्रश को रख लेना, सेटिंग को आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हो, ठीक है। देख लो नीचे वाला ऑप्शन को 4, ऊपर वाला ऑप्शन को 4, सेम दोनों आपको वही रख लेना। एंड इस प्रकार से बैक आ जाना है, साइज को अपने हिसाब से रख लेना, एंड फेस पर अपने पूरे इस फेस पर इस प्रकार से चलाना है, ठीक है। देख लो कैसे फेस पर मैं चला रहा हूँ, सेम फेस इस प्रकार से गोरा मतलब हो जाएगा, तो जैसे मैं चला रहा हूँ वैसा करके चलाना है, चाहे जितना भी काला फेस हो आसानी से गोरा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट गाइस आपको साइज को बिल्कुल मिला मिला कर अपने हिसाब से बड़ा छोटा साइज को करके, एंड देख लो आपको ये पिंपल्स वगैरह दिख नहीं रहा होगा, बट इस फेस पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स है, देख लो कितना ब्लैक है। तो गाइस फेस को गोरा कैसे करना है, एक क्लिक में गोरा करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे अपने मैं आपको इसके पहले वाला वीडियो में जो बताया था, एक क्लिक में एक बार में फेस को कैसे गोरा करते हैं, ठीक है, ऐसा ही सेम ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। एंड ऐसे करके अपने हिसाब से चारों तरफ चलाना है, हैंड वगैरह जहाँ जहाँ भी आपको वाइट करना है उस जगह पर इसको फटाफट से ब्रश को आपको चला देना, ठीक है। एंड तक मत कर बिल्कुल साइज को छोटा करके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके बढ़िया से चला लेना, ठीक है, तभी आपका फेस मतलब बढ़िया गोरा हो पाएगा, ठीक है। जस्ट इतना काम कर लोगे ना तभी आपका फेस मतलब पूरा गोरा होगा नहीं, बट मैं आपको बताऊँगा कैसे गोरा होगा। इतना कर लोगे फिर सीधे आपको जाना है लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है, एंड यहाँ से आपको देख लो कौन सा ब्रश को सिलेक्ट करना है, लीफ को रेड कर लेना है, तो ऐसा ट्रेडिशनल वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रहा ब्रश, ठीक है, सेटिंग को देख लो सेम ही रख लेना, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कौन में आ जाना है, एम टी लेयर वाला ऑप्शन पे आ जाना, उसके बाद एक लेयर को रेडी कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो आपको लिप पर कुछ इस प्रकार से जूम करना है, ठीक है, लिप पर कुछ इस प्रकार से चलना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। एंड एम टी लेयर को सबसे पहले मैं ऐसे करके कम कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इस ब्रश को चलाता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार से अपने लिप को रेड करना है, ठीक है, तो ऐसा करके आप ही कर लेना। तो चलिए मैं अपने लिप को सबसे पहले रेड कर लेता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से रेड कर लेना। तो गाइस लिप को रेड करने के बाद गाइस देख लो इतना लिप काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो सिंपली मैं आपको सजेस्टेड करूँगा कि मतलब इसको 20 के आसपास रखना तब बढ़िया लगेगा, ठीक है। देख लो इतना लिप रेड काफ़ी है, उसके बाद ऐसे करके सेव वाला ऑप्शन मार कर अपने फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लास्ट में बताऊँगा फेस गोरा कैसे करना, तो सिंपली अब हम लोग अपने फोटो को शेयर मारते हैं, ऐसे फोटो रूम एप्लीकेशन अपने फोटो को कट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, मतलब उधर वेट करना पड़ेगा आपका, ठीक है, नेट जैसे ही चलेगा आपका ये मतलब ऑटोमेटिक फोटो कट कुछ इस प्रकार से फोटो कट कर देगा। तो सिंपली यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाला दो नंबर वाला ऑप्शन को आपको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जस्ट गए दो नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली गए आपको क्या करना है, ऐसे शेयर वाला ऑप्शन को मार कर, ठीक है, एंड ऐसे करके अपने फोटो को ऐसे करके सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस डायरेक्ट आपको क्या करना है, तो आपको गाइस जब यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। पिक्सआर्ट को गाइस ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड कर लेना है, बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद फिर से एड फोटो ऑप्शन में ऐसे जाना है, सबसे पहले क्या करना है आपको ऐसे करके इसको अपने फोटो को सबसे पहले ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, एंड ऐसे करके फोटो को सबसे पहले बैठा देना, ठीक है। बैठाने के बाद जैसे करके सेव करना है, उसका ऐसे करके यहाँ पे अपने फोटो को क्रॉप कर लेना, ठीक है, ऐसे करके, एंड ऐसे करके क्रॉप करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे एड फोटो ऑप्शन चले जाना, आपको पीएनजी को लेना, ठीक है। सब पीएनजी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पीएनजी को मैं ऐड कर लेता हूँ, सबसे पहले आपको इस वाला पीएनजी को लेना, उसके बाद स्क्रॉल करके भागा हुआ तो इसमें यहाँ देख लो ध्यान से देखना, यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में जाकर इसको स्किन करके, ठीक है, ऐसे करके इसको मतलब लगा देना है। इरेजर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबसे पहले इसका फेस पर से इफेक्ट ऐसे करके आपको सिंपली हटा देना, ठीक है। उसके बाद इस वाला पीएनजी को आपको लेना, ऐसे करके इसको यहाँ लगाना है, ठीक है, एंड इसको भी क्या करना है, तो आपको सेम ब्लेंडिंग के मोड में आपको जाना है, ठीक है, एंड इसको भी स्किन करके कुछ इस प्रकार से ऐसे करके इसको लगा देना है, ठीक है, एंड गाइज ऐसे करके लगा दो तो ये काफ़ी मतलब बेहतरीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके अपने फोटो को सेव कर लेना, ठीक है, एंड आगे गाइज क्या करना, आगे गाइज आपको इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल वाला समझ जाना, उसके बाद यहाँ पर फेदर वन वाला ऑप्शन पर टैप करना, ठीक है। फेदर वन वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद
मल्टीप्लाई करके इसको पूरा माइनस कर दें, उसका इरेजर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, पूरे फेस पर से ऐसे करके रिमूव कर देना है, ठीक है। देन गाइस फेस पर से एंड हैंड पर से बस आपको इसको कपड़ा पर छोड़ देना है, ठीक है। फटाफट कुछ इस प्रकार से आपको भी कर लेना है, ओके। देन गाइस ऐसे करके इसको डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मारकर सेव पीएनजी वाला ऑप्शन मारकर अपने फोटो को सेव कर लेना, ओके। एंड गाइस आगे आपको क्या करना है, शेयर मार दें इसको स्नैपशीट एप्लीकेशन में, ठीक है। दो तरीके फेस स्मूथ करने का मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि आप टूल वाला ऑप्शन में जाना, इस ब्रश को सिलेक्ट करें एंड दो नंबर वाले ब्रश को सिलेक्ट करके सेवन रख लेना है। एंड चाहो तो आप इस प्रकार से भी अपने फेस को गोरा कर सकते हो, देख लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रिक है कि आपको सेलेक्टिव वाला ऑप्शन को सबसे पहले इजीली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ऐसे करके लीलार पर ले जाना एंड ऐसे करके सिर्फ आपको क्या करना है, तो ब्राइटनेस को ऐसे करके बढ़ा देना है एंड कंट्रास्ट को आपको थोड़ा सा ऐसे करके माइनस कर लेना, ठीक है। फिर से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके कर लेना है, बस आपको ब्राइटनेस को बढ़ा के एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा ऐसे करके माइनस करना है। सेम आपको वही ट्रिक अप्लाई करना है, आपको सेम वहीं पर ले जाकर ऐसे करके सबसे ज़्यादा जहाँ ब्लैक दिखे वहाँ ले जाकर छोड़ना है, बस ब्राइटनेस को बढ़ाना है एंड कंट्रास्ट को ऐसे करके माइनस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद अपने हैंड पर सेम ले जाना है, बस वही ट्रिक अप्लाई करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, कंट्रास्ट थोड़ा सा माइनस करना है। एंड आपको क्या करना है, गर्दन पर ले जाना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस ब्राइटनेस को बढ़ाना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा ऐसे करके माइनस करना है। सेम आपको देख लो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख पा, यहाँ पर देख पा रहे हो ब्लैक दिख रहा है, तो सिंपली उस जगह पर ब्रश को ले जाएंगे एंड ऐसे करके छोटा कर देंगे, फिर से आपको ब्राइटनेस को बढ़ा के थोड़ा सा कंट्रास्ट को माइनस करके तो व्हाइट हो जाएगा। तो गाइस आई होप एडिटिंग पसंद आएगा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसा छोटा एडिटिंग लेकर। तो गाइस कैसा वीडियो लगे